उकाड़ा में कश्ती हादसा हो गया, जहां भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। दरिया सतलुज में उकाड़ा के करीब कश्ती डूबने के वाकये में मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ भाग अफराद की तादाद 7 हो गयी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जलजले से लरज उठे। सवात समेत दीगर इलाकों में 5.4 शदीद झटके महसूस किए गए। जराए के मुताबिक सवात, शांगला, बुनेर, मानसहरा, बटग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा अपर हजारा डिवीजन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस काबिले समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कालअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज जारी कर दिया। रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां रात देर पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि अलामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। इस दौरान ट्रेन की 2 बोगियां पट ईदन के करीब पटरी से उतर गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद अब ट्रेन पर ट्रेनों की आमदोरफ मुअत्तल हो गयी, जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और आज मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में फैसला होने का इम्कान है कि मुल्क में आम इंतखाबात 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगे या 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर रखा है।